का स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल एग्जाम अकेडमी पे। बात करेंगे यूपी ट्रिपल ईएसओ के रिजल्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट है, नई भर्ती का क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होगा, लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें बताएंगे ईएसओ के रिजल्ट को लेकर, मैंने पहले ही बताया था कि आपका रिजल्ट जो है मिड ऑफ फरवरी में आने की पूरी पूरी चांसेस है, और ये सत्य होता दिख रहा है क्योंकि आपका रिजल्ट 15 तक देखने की पूरी जो चांसेस थी उसमें दो रिजल्ट जो है मेजर इस पर काम हो रहा है। पहला रिजल्ट जो है इसमें फॉरेस्ट गार्ड का है, इसको प्रायोरिटी पर रखा गया है, और दूसरा रिजल्ट है ईएसओ। ये दोनों रिजल्ट में अंजस लगा हुआ है कि कौन सा रिजल्ट पहला है। या तो आप फॉरेस्ट गार्ड देखने को मिल सकता है 15 तारीख के पहले, या आपका ईएसओ का रिजल्ट जो है 15 तारीख से पहले पहले देखने को मिल जाए, क्योंकि आयोग जो है इस पर ज़्यादा काम कर रहा है ईएसओ के रिजल्ट को लेकर, और ये दोनों रिजल्ट जो है प्रायोरिटी में रखा है। या तो फॉरेस्ट गार्ड आ जाएगा या ईएसओ। नया वैकेंसी मैंने पहले बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैंने नई वैकेंसी जो है इसमें 3000 देखने को मिलेगी। अब कब देखने को मिलेगी, जनरियो है आयोग का, वो पुरानी भर्ती को क्लियर वन बाय वन करने में लगी है, और जो चेयरमैन सर हैं वो भर्ती को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रख के उनको क्लियर करने में लगे हैं। उसके बाद जो है नई भर्ती देखने को मिलेगी। नई भर्ती में दो चीज़ अभी क्लियर हो गई है कि पहला जो है AGTA जो आएगा वो 100% है, और कंप्यूटर ऑपरेटर आएगा वो भी 100% है। उसके बाद ही आपका रिजल्ट, आपका नई वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि बड़ी मात्रा में रहेगी। 3000 नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं एक मंथ बता दे रहा हूँ, आपका जो है नई वैकेंसी मे बी अप्रैल में देखने को मिल जाए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अप्रैल तक आपका वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो ये कुछ अपडेट था ईएसओ से रिलेटेड। कोई भी अपडेट आएगा तो मैं इस चैनल पर अपडेट करता रहता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। नंबर ऑफ सीरीज में मैंने वीडियो बनाई है, तो आप जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेलकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये कोई अपडेट है ईएसओ से रिलेटेड। थैंक यू देखने के लिए, जुड़े रहिए एग्जाम अकेडमी के साथ।